कुरान खानी करने में हर्ज क्या है? मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया वो तरीके से जो भी करेंगे जायज है। आप सहाबा के जमाने में होना, नबी के जमाने में होना, तो आज क्या करते हैं हम पूरे इस घर में कुरान खानी है तो पूरे लोग घर में जमाते, 30 बच्चे भाई, 30 बच्चे, हर बच्चे को कितना मिलेगा? 100-100 रुपए, 100-100 रुपए। वो पूरे बच्चे आते, जाके बोलते आप जाके पढ़ के आना, वो पूरे बच्चे जाके कुरान खत्म करके आते, पूरे बच्चे आधा पारा होते होते 30 आखिर में पैसे देते। तो बरकत हासिल करने का ये तरीका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ, घरों में जाकर तुम सुन्नत नफिल जो भी पढ़ना घरों में पढ़ना है। तो बरकत हासिल करने का तरीका भी आपने बता दिया। अपने तरफ से हम जैसे चाहे बरकत हासिल नहीं कर ले सकते, बरकत हासिल करने का तरीका भी बता दिया गया। जो बताया गया बस वो करना है हमको, जो बताया गया हमको करना है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि भाई अगर मैं कुल या अय्युहल काफिरून खबर पे नहीं पढ़ना है तो फिर मैं नमाज में भी नहीं पढ़ूंगा, तो हम कहेंगे मेरे भाई आपको ये बताया गया, यहाँ कोई इशारे साहब ने और अल्लाह की बात हो रही और यहाँ पर आपको बताया गया नमाज में ऐसा पढ़ना है, खबर पे आपको किसने बताया? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं बताया खबर पर जाकर कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो? है तो दलील लाओ, नहीं है तो फिर खामोश बैठ जाओ, खामोश नहीं बैठते तो दलील लाओ, दलील नहीं लाते फिर खामोश बैठ जाओ, इतना ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इसी तरीके से कुरान खानी, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला को पता चला मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी कह रहा सुभान अल्लाह पूरे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा इज्तिमाई तरीके से कर रहे। अच्छा बोलिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलना बुरा है अच्छा है? अच्छा है ना, तरीका बदल दिए। देखिए तरीका, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला आए, आकर उन्होंने पूछा हाज़िहिल अवानी लम तुक्सर, अभी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन अभी टूटे नहीं, वहादिहि सियाबु लम तुबला, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े फटे भी नहीं, तुमने दीन को फाड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने भी हमको तस्बीह करना सिखाया लेकिन ऐसा नहीं सिखाया, समझ में आ पॉइंट, जो बताया गया वैसे करना है, इसी को कहते इत्तेबा, इब्तेदा नहीं करना इत्तेबा करना। लोग उल्टा करते बा को ता को बा बनाते, इत्तेबा करना इब्तेदा नहीं, फत्तबिउनी कहा गया, फब्तदिउनी कहा गया, तुम मेरी मोहब्बत में बिदअतें निकालो नहीं कहा, तुम मेरी मोहब्बत करना है नबी को इत्तेबा करो, नया नहीं निकालना है।